दोस्तों आपके सामने टेबल के ऊपर रखा हुआ है हंग्री हंग्री हिप्पोस। आप में से कई लोगों ने इस गेम का नाम सुना होगा और कई लोगों के पास ये होगा जो इसको खेल के इसका मजा ले चुके होंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो भैया बनती है। फिलहाल ये आता है हैसब्रो गेमिंग की तरफ से, मार्किंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके कंटेंट्स को निकालते हैं, गेम को सेट करते हैं और खेल के आपको दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉकिंग गेम्स एक्सपेरिमेंट की, तो कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों गेम्स के पार्ट कुछ इस तरह से हैं। ये है शूटिंग हैंडल और चार अलग अलग कलर के हैं। और आप बोलोगे यार ये गेम बोर्ड है, फिलहाल ऐसा नहीं है, ये ऐसे उठाएंगे तो इसके अंदर ये हमारे हिप्पोस हैं, ये हमें बाहर निकालने और गेम में सेट करने हैं। अंदर कुछ मार्बल्स की बॉल्स भी आपको दिख रही होगी बहुत सारी, और ज़्यादातर रेड दिख रही है, बस एक ही येल्लो है क्या। चलो निकालने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कैसे कैसे आपको गेम को सेट करना है और गेम्स के रूल वगैरह क्या है, फिलहाल वो तो मैं आपको बताई दूंगा। और ये है इसका मेन गेम बोर्ड। तो अब देर किस बात की है, बिना किसी देरी के जल्दी से सेट करते हैं गेम को, सारा तामझाम लगाते हैं इस बोर्ड के ऊपर और उसके बाद करते हैं एक क्विक बैटल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गेम जो है बिल्कुल सेट हो चुका है, सारी चीजें बराबर लग चुकी है। आपको इस ढक्कन के ऊपर दिख रहा होगा बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए हैं। अब गेम कैसे खेलना है वो बताता हूँ। ये गेम आप दो तरह से खेल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे आपको मार्बल डालने पड़ेंगे, तो मैं मार्बल्स यहाँ पे डालना शुरू करता हूँ। तो पांच पांच मार्बल जो है ईच प्लेयर के हिस्से में आएंगे। अब सबको यहाँ पे बराबर मार्बल्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे चार महाशय चारों तरफ ताक लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप दो से चार प्लेयर तक खेल सकते हैं। अगर दो प्लेयर खेलेंगे तो वो कोई भी दो हिप्पोस ले लेंगे, अगर चार प्लेयर खेलेंगे तो सिंगल सिंगल वो ले लेंगे। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये महाशय, इनके नाम है, तो नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो है ग्रीन वाला, इसका नाम है वेजी पोटेमस। उसके बाद ये ब्लू वाले का नाम है स्वीटी पोटेमस। येलो वाले का नाम है बॉटमलेस पोटेमस। और ये ऑरेंज वाला है, इसका नाम है हंग्री हिप्पो। तो चारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। फिलहाल अब पहला रूल ये है कि ये मान लो ग्रीन वाला प्लेयर है, सबसे पहले एक बॉल रिलीज करेगा और जैसे ही ये रिलीज करेगा यहाँ से चारों के चारों उस पर झपट पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलीज करता हूँ मैं कुछ इस तरह से, तो सबके सब जो है ना बस इसे झपटने की कोशिश करेंगे और ये किसी के पास भी आ सकता है। अब जिसके पास आ गया वो उसका हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट चांस आएगी, ये बंदा जो है ये रिलीज करेगा, नेक्स्ट चांस में ये रिलीज करेगा, नेक्स्ट चांस में ये रिलीज करेगा। इसी तरह धीरे धीरे सबके मार्बल्स खत्म हो जाएंगे और लास्ट में जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्बल्स इस एरिया में होंगे ना वो हो जाएगा इस गेम का विनर। अब दूसरा तरीका क्या है खेलने का वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों दूसरे तरीके में सारे 20 के 20 मार्बल्स जो है सेंटर में आ जाएंगे और उसके बाद होगा रेडी स्टडी गो। गो बोलते ही चारों के चारों हिप्पोस जो है वो उस पर झपट पड़ेंगे और जिसके पास ज्यादा मार्बल्स होंगे वो होगा गेम का विनर। तो यही थे दो रूल। फिलहाल अब जल्दी से करते हैं बैटल और देखते हैं कितना मजा आता है इस गेम को खेलने में। तो दोस्तों सबसे पहले सिंगल प्लेयर मैच खेलेंगे, तो दोनों को पांच पांच मार्बल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब जो है मैं पॉपअप करता हूं पहला मार्बल, फंस गया क्या कहीं पे। तो दोस्तों मार्बल काउंट यहां पे करते हैं और मेरे पास कितने मार्बल हैं, एक मार्बल अंदर फंस गया। तुम्हारे पास कितने, 7 और मेरे पास है 3। तो यहाँ पे मैं हार चुका हूँ वाला गेम। सो रेडी स्टडी गो।
तो एक बार काउंट कर लेते भैया किसके पास कितनी बॉल्स यहाँ पे आई है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिंपली मेरे पास 12 बॉल है, तो इसका मतलब है वहाँ पे 8 बॉल होगी, तो मैं हो जाता हूँ विनर यहाँ पे। वाह मजा आ गया भाई, वेरी स्टडी गो। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे पास 11 है क्या? दो कहाँ है फिर? तो दोस्तों यहाँ पर इस गेम को मैंने आपको दो तरीके से खेल के दिखाया, एक 5 मार्बल के साथ में, दूसरा तबड़ 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 तबड़। तो अगर मुझसे पूछोगे मैंने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस गेम को थोड़ी देर के लिए खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ इंजॉयमेंट। बट अगर इसे हम बार बार खेलते हैं ना, तो यार ये बोर हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वही सब तर 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 करते जा रहे हैं, कोई ज्यादा ट्रिक व्रिक तो है नहीं इसमें, सीधे आपको बस मारना है और आपकी किस्मत है कि वो आपकी तरफ आ जाए तो आप उसे खा लोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर आपकी सरफेस जरा भी फ्लैट नहीं है ना, तो ये सारे मार्बल एक तरफ ही चले जाते हैं, जिससे दूसरा प्लेयर बस देखता ही रह जाता है। एक और चीज़ जो है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी देखने लगी, जब मार्बल यहाँ पे चले जा रहे थे ना, तो कुछ मार्बल जो है इसके अंदर चले जाते हैं, वो फंस जाते हैं वहाँ पे। फिर उनको निकालने के लिए इसको टेढ़ा करो, ये टेढ़ा करो, तो कभी कभी ये जो है ना ऐसे निकल जाता है। तो ये चीज़ मुझे सही से मतलब ठीक नहीं लगी, अगर फिक्स करना है तो सही से फिक्स होना चाहिए, और अगर मार्बल यहाँ पे आ रहे हैं तो सही से ढलान में आने चाहिए, उसी हिसाब से स्लोप होनी चाहिए। बट कुछ मार्बल यहाँ फंस जा रहे हैं, कुछ यहाँ फंस जा रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा। ओवरऑल थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मज़ेदार है, फुल ऑफ इंजॉयमेंट है। अगर यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। 1, 2, 3 तो दोस्तों अब देते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को शार्ट आउट। तो इस बार जो वीडियो लिया है वो है ग्लो इन द डार्क, और जिसने ये वीडियो नहीं देखा ना यार, जरूर जाके देखिए, क्योंकि सोप जो है काफ़ी अच्छे से चमक रहा था अंधेरे के अंदर। तो यहाँ पे टोटल जो लाइक है वो है 3.9K, और कमेंट जो है वो है 574। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट जो है यहाँ पे आप लोगों ने किए हैं। फिलहाल यहाँ पे 20 नेम्स जो है वो सेलेक्ट किए हैं, तो जल्दी से दे देते हैं उनको शार्ट आउट। तो पहला नाम है नमन एन नावुशो, दूसरा सरा एंजल, क्रिएटिव जॉय, सुजाता घोष, सितारा तबस्सुम, जयश्री क्राफ्ट, अंशिका राठौड़, एचडी टेक्निकल, राज नारायण, लक्ष्मी मोहपात्रा, रघुनाथ मोहंती, नार्वल स्टूडियोज, रानी कुमारी, ध्रुव लेट, रामचरण सरकार, संजय जायसवाल, सुची लेपचा, सूरज शेट्टी, मनोज शाह, और लास्ट में पूनम कौर। तो जिन लोगों का नाम नहीं आया, आपको पता है हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि यार आगे भी कमेंट करते रहिए, तो हो सकता है आपका नाम आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।